लाने के जितना मैक्सिमम कर सके। अगर कोई सवाल का छोटा जवाब है तो मैं छोटा जवाब दूंगा, जिसको तफसीली बयान करना है तो तफसीली बयान कर दूंगा। पहला कागज है हमारे हाजरीन में से, सर मैं आपके पास 12 साल पहले आया था और कुछ नहीं जानता था, सिर्फ जानने का शौक रखता था। इन सालों में मैं आपके सारे लेक्चर सुने और वर्कशॉप अटेंड कर ली और बहुत कुछ सीखा। आज मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन इन सब से बढ़कर जो मैंने हासिल किया वो आपने शऊर दिया, बेदारी दी, हर लम्हा बेदार होना सिखाया और मुझे अपनी पहचान बताई। इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है? आपकी वजह से दुनिया में सब कुछ हासिल करके भी अंदर से फकीरी आ गया। मुझे अफसोस होता है लोग इस मकाम को नहीं समझ पाते। आज आपका दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ मैं अल्लाह ताला का, और आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी अता दे, आमीन। बहुत शुक्रिया भैया। बहुत कम लोग दुनिया में आजकल दुआ देते हैं किसी को, आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भला कर। 12 साल हो गया, बहुत लंबा अरसा होता है। बाज दफा सारी जिंदगी में किसी की तो आंख नहीं खुली। अच्छा, हमारे दोस्त का हमने जवाब दे दिया, दोस्त थोड़ी सी एफर्ट करो सेल्फ रेगुलेशन पे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन फ्रॉम अ जॉब सीकर, मुलाजमत तलाश करने वाले का एक सवाल है जो मुलाजम। हाउ व्हाट डज द कंपनी लुक इन अ फ्रेश एस्पिरेंट? कंपनी जब हायर करती है तो वो क्या देखती है जिसका इंटरव्यू लेती है जॉब करने? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है? बड़े बड़े जिनके पास डिग्रियां हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता। कल मेरे पास एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान किसी दूसरे मुल्क से आया है मिलने मुझे, हैंडसम बंदा, सब कुछ है, बड़ी अच्छी डिग्री है उसके पास, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, वो बाहर काम करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चलो स्टेज की प्रेजेंटेशन तो समझते हैं, मगर 10-12 लोगों में इनफॉर्मल बात करनी हो, कहता फिर भी दिल घबराता है। मैंने उसको NLP और सिल्वा रिकमेंड किया। तो असल चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से लोग ऐसे झूठ भी बोल जाते हैं, आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, कई दफा आपको यकीन होता है कि वो सच बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना चाहिए, मैं बता ही रहा हूं कि जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कुछ कर गुजरता है। जब हम फायर वॉक कराते, आप लोग आग पे चले, आप में से कुछ लोग कितने कॉन्फिडेंस से चले इस यकीन के साथ कि आग आपको नहीं जलाएगी, और नहीं जलाया। ये कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है। जब आप किसी किस्म के इंटरव्यू देने जाते हो तो पहली चीज देखी जाती है वो आप बैठते कैसे हो, सवाल के दौरान आपके आई कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, गुफ्तगू के दौरान, जवाब के दौरान पॉजेज लंबे तो नहीं आपके, क्या आप किसी सोच में तो मुब्तला नहीं हो जाते। कॉन्फिडेंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपको यकीन होना चाहिए अपनी जात पर। जिस शख्स को अपने ऊपर यकीन होता है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। अब ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी तरबियत पे, तालीम, माहौल, माशरा, किस माहौल में पले बढ़े हैं, माँ बाप ने क्या तरबियत दी है, असातिज़ा ने क्या सिखाया है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस अगर होगा तो बड़ा होकर कॉन्फिडेंस होगा, बच्चे बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बड़ा होकर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस की कोई गोली कोई दवाई नहीं है दुनिया में, कोई डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंस की गोली नहीं है। कई दफा गिरने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, शर्त ये कि उठाने वाला आपको सही मशवरा दे। तो कॉन्फिडेंस लेके जाओ। और दूसरा, आपका यकीन और ईमान एक बात पर होना चाहिए कि आपका रिस्क रब के हाथ में, किसी कंपनी के एम्प्लॉयर के पास में, वो रिस्क आपको मिलेगा। और इस हद तक मिलता है कि रिस्क आपके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है और आपका रिस्क आपके पास पहुंचता है। अब सवाल और पे आ जाते हैं जी, ये बहुत सारे सवाल बचते गए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। सर, हाउ कैन वी अलाइन आवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड इन परस्यूट ऑफ अ गोल? As most of the time when we strive for a purpose, we can hardly be consistent due to the contradiction between the two. Kindly answer in Thursday lecture. May Allah reward you for your efforts. Thank you. Bahut shukriya ji. Shaur aur tehte shaur ke darmiyan tazaad. Isko main kai dafa misal de chuka hu aapko.
कि एक शख्स सिगरेट पीता है, वो सिगरेट छोड़ना चाहता है। अब सिगरेट छोड़ने के लिए उसको कॉन्शियस माइंड में एक चीज होती है, जो सबसे बड़ी कुवत होती है कॉन्शियस माइंड में, वो होती है विल पावर, कुवत इरादे जिसको उर्दू में कहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास मेमोरीज होती है, याददाश्त होती है, यादें होती है, जज्बात है, एहसासात है। तो जब एक शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता है तो वो बड़ा कुवत इरादे उसके पास है, वो बड़ी कोशिश करता है, इसलिए नहीं छोड़ पाता कि निकोटीन की एडिक्शन के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि उसके तहत शऊर में कोई ऐसी यादें हैं कि जिसका सिगरेट से बड़ा गहरा रब्ता है। अब वो जो यादें हैं या वो जो रिसोर्सफुल स्टेट है उसका, वो उसको कभी छोड़ने नहीं, वो जितनी दफा भी कोशिश करेगा छोड़ेगा, फिर पी लेगा, फिर स्टार्ट कर देगा। तो इसको बड़े टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट है तजाद का। इसी तरह एक बड़ा मशहूर किस्सा मैंने बताया था कई दफा, मैं हिप्नोसिस के वर्कशॉप में और एनएलपी में बता चुका हूँ। एक नौजवान बड़ा ब्रिलियंट किस्म का बंदा जो एक बड़ी बैंक में बड़ी सीनियर पोजीशन पे था, उसी बैंक में एक उसकी कुलीग थी लड़की जिससे उसको मोहब्बत हो गई। अब प्यार तो होता है दीवान, चार छह महीने उन्होंने मुलाकातें की, कॉफी शॉफी पे मिलते थे, आखिर लड़के ने प्रपोज कर दिया। लड़की के माँ बाप थे बांग्लादेश में। अब प्रपोज किया, सब कुछ अच्छा था, शादी हो गई। शादी होने के चंद दिन के बाद लड़के को बिला वजह अपनी बीवी पे शक होना शुरू, शक। पहले पहले तो उसने कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल नहीं होने लगा, अब वो लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़की हैरान थी, मुझ पे शक क्यों करता है, इतने अरसे से बैंक में थे, छह महीने हमने एक दूसरे को देखा, बरखा जाना, एकदम से शक क्यों हो गया। उस लड़के को नहीं पता उसको क्यों शक हो रहा है। खैर जी, बात बढ़ते बढ़ते झगड़े होने लगे और आखिर में तल्लाक हो गया। लड़की इतनी दिल बरसता हो गई, दिल टूट गया उसका, कि वो वापस बांग्लादेश चली। लड़का डिप्रेशन का मरीज हो गया। अब वो दवाइयां खा रहा है, दवाइयां डेफिनेटली उसको नींद में लाती है, सुलाती है। अब जब नींद होती है तो वो बैंक में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब वो परेशान हुआ कि दवाइयों से कैसे जान छुड़ाई जाए, वो रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि उसको शक क्यों आने लगे। खैर जी, कहीं किता कराता कहीं से हमारा मिला, वो हमारे पास पहुंचा। तो पहला 10 मिनट मैंने उससे बात की, उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई, हिप्नोसिस या एनएलपी का कोई वर्कशॉप था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कई साल पहले मैं उसमें डाला था। लास्ट डे मैं सब पे काम करता हूँ, जो भी पेशेंट आते हैं उनको लास्ट दिन वर्कशॉप पे काम करता हूँ। तो मैंने, मुझे हिस्ट्री तो बताई थी उसने कि ये वजह थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई वजह है, तेरी बीवी ने कभी ऐसी बात की कभी तूने? अच्छा, उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। मैंने कहा कोई बात पकड़ी, कोई खत देखा, कुछ ऐसा किसी से वो मिलती है? कहता कुछ भी नहीं था। हम दोनों साथ घर आते थे, कभी कभी मैं देर से आता था, वो घर पे पहले पहुंचती थी। कोई ऐसी रीजन नहीं थी, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं उस पर शक करूं, मगर मुझे शक होता था। इसकी वजह से टूट गई और सारे, फिर बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। हमने जी उसको आंखें बंद कराई, पीछे ले गए। अब उसने कहा था कि मुझे नहीं पता कि शक क्यों हो रहा मुझे। जब पीछे ले गए तो अजीब और गरीब एक वाक्य में वो पहुंचा। उसकी उम्र 5 या 6 साल निकली। अब वो बोल रहा बच्चों की तरह, 5-6 साल की उसकी उम्र थी। और उसने बताना शुरू किया कि मैं सुबह आवाज हो रही थी, घर में शोर आ रहा था, आंखें बंद कराया, वो बच्चा नीचे उतरा सीढ़ियों से, तो नीचे देखा कि लाउंज में पुलिस भी है, खाला भी है, फरोसन भी, अम्मी भी है। अम्मी रोए जा रही है, पुलिस सवाल पूछ रही है लोगों से। अब वो जाके खाला ने उसको अपने पास बिठा दिया। चुप बच्चा था 5-6 साल का। अब वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, अजीब गरीब रौनक है घर के अंदर, लोग आ रहे जा रहे। खाला ने उसकी माँ से कहा कि मैं कहती थी तुम्हें कि बंगाली चोर हो। एनएलपी में हम उसे जनरलाइजेशन कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं कहती थी बंगाली चोर होते, सारे बंगाली चोर नहीं होते। मगर उस खातून ने जुमला जो कहा वो जनरलाइजेशन है। आई एम श्योर उसका मतलब भी ये नहीं था कि सारे बंगाली चोर होते, मगर उसने कह दिया कि बंगाली चोर होते। मैंने पहले ही कहा था नौकर मत रखना। अब बच्चे के जहन में वो बात आ गई, अब उसका अकीदा ये बन गया कि हर बंगाली चोर। अच्छा, बात खत्म हो गई, वो बच्चा बड़ा हो गया, भूल गया उस वाक्य को, कभी याद भी नहीं था उसको। अब आप देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना कमाल का दोस्त है आपका, एक्चुअली आपका दोस्त है।
जब तक लड़की से प्यार था, मोहब्बत थी, मिलते थे कॉफी पे, डिनर पे, एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही छत के नीचे आ गई सोने में, क्योंकि बंगाली जो चोर था वो नौकर था जो घर में रहता था, तो जब तक ये लड़की घर में नहीं आई थी उसके सबकॉन्शियस माइंड को कोई खतरा नहीं था। जैसी शादी हुई, जैसी लड़की आना शुरू हुई, अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इसलिए शक देना शुरू किया कि बंगाली चोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एक बंगाली है, दो बंगाली चोर, ये सारे वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। एज इट इज वो फीलिंग्स और इमोशंस आना शुरू हुए। जैसी फीलिंग्स और इमोशन आना शुरू हुए, शक की बीमारी पैदा होगी और लड़ाई झगड़े और बात खत्म हो गई। ये है टिपिकल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उसको प्यार करता था, प्यार सबकॉन्शियस में भी था, मगर सबकॉन्शियस में एक मेमोरी थी बड़ी खतरनाक। तो हम में से कई लोगों के सबकॉन्शियस में क्या है, हमें खुद नहीं पता, हमें नहीं पता। जिंदगी में हम देखते हैं कि कहीं पे हम काम कर सकते हैं। एक DHL का एक वर्कशॉप कराया था NLP का कई साल पहले, तो एक बड़ी क्यूट सी लड़की थी वहां पे, बड़ी डायनामिक किस्म की लड़की। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो पानी में नहीं जाती थी। अक्सर ये लोग सारे DHL के लोग बीच वगैरह पे जाते होंगे, ये पानी उसको डर लगता था। मगर उसके पास मेमोरी थी कि कुछ अर्से पहले उसकी कजन ने मजाक मजाक में उसको सर पे हाथ रख के नीचे डाला था, तो वो पानी मुंह में चला गया था, नाक में, अंदर फेफड़ों में चला गया था, अब वो डरती है। अब मैंने क्या किया, उसको ले जाके मैंने कहा कि जी जो सबसे कीमती मोती होता है वो गहराई में, तो मैंने गहराई में उसको तसव्वुर में ले गया और कहा कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो गहराई में जाना। उस दिन के बाद से उसका वो खौफ खत्म हो गया। हमारी लाइफ में बड़े ऐसे वाकयात हैं जिसका मैं नहीं पता होगा, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर जब आपको लगे कि किसी चीज में रुकावट है आपके, तो इसका मतलब है सबको के सबकॉन्शियस के पास बिलीव भी है। सबकॉन्शियस आपका ईमान, आपका अकीदा, सब कुछ सबकॉन्शियस में होता है, कॉन्शियस में नहीं होता। कॉन्शियस में जो डेली डे टू डे आप काम करते वो होता है। आप गाड़ी में सबकॉन्शियसली चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल ऑटोमेटिकली चलाते हैं, कभी सोचते हैं कभी गियर दबाओ क्लच दबाओ, नहीं, ऑटोमेटिक है, बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय द सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा जी, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, हम कैसे पता चलाए कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी नफ्स की ख्वाहिश है या फिर हमारा रब हमसे वही चाहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? काइंडली आंसर माय क्वेश्चन इन योर थर्सडे लेक्चर एज माय टर्न कम्स। थैंक यू वेरी मच। बड़ी समझदार खातून साहब है, फिर उन्होंने लिखा है व्हेन माय टर्न कम्स। लोग इंतजार नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ, जवाब देता हूँ कि जब वक्त आएगा ना, टर्न आनी चाहिए। हम 6-7 सवाल से ज्यादा नहीं ले सकते। सवाल यह है कि जी अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश है या मैं कोई काम करता हूँ या करती हूँ, तो क्या यह मेरी नफ्स की तरफ से या मेरे रब की तरफ से? बड़ा आसान है। वैसे तो नफ्स जो है वो बड़े खेल खेलती है आपके साथ, और पता नहीं आप लोगों ने सुना है पिछले थर्सडे के लेक्चर, बहुत सारे यूट्यूब पर सुना करें उसको। नफ्स की 3 कैफियत है। नफ्स कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये इंसान की जान है। मैं उस जान की बात नहीं कर रहा जो 8वीं स्ट्रीट पे रहती है, इंसान के अंदर जो जान है। इस नफ्स की 3 कैफियत है। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लुआमा, और तीसरी है नफ्स मुतमईना। सारी जिंदगी हमारी जो जंग रहती है वो नफ्स अम्मारा और नफ्स लुआमा के दरमियान जंग रहती है। नफ्स अम्मारा आपसे काम कराती है, सारी खुदगर्जी इसके अंदर मौजूद है, ये मेरा, ये तेरा, खबरदार ये नहीं लेना, ये खाना है मैं खा लूं उसको कम मिले, चोरी चकारी डाके बेईमानी रिश्वत झूठ फरेब मकर गीबत सब कुछ अम्मारा का। अब जब अम्मारा आपको चलाती है, आपको अम्मारा नफ्स ही चलाती है, तो दूसरी कैफियत नफ्स की, या अल्लाह का करम है बहुत बड़ा हम पर कि वो पशेमान होती है, वो कैफियत जिसमें आपको एहसास जुर्म, एहसास गुनाह हो, अपने किसी अमल पर अफसोस हो, अपनी किसी बात पर अफसोस हो, कभी किसी को गुस्सा कर दिया बाद में अफसोस हुआ मैंने ज्यादती कर दी, किसी नौकर को डांटा बाद में अफसोस हुआ, तो शुक्र करें नफ्स लुआमा आपकी अभी जिंदा है कि आपको एहसास जुर्म और एहसास गुनाह होता है। अब ये जो तकरार है दोनों की, ये सारी जिंदगी चलती है। एक वक्त आता है, और उसको अगर पिछले
جمعرات کا لیکچر تھا یا اس سے پچھلے تھا, سپر کانشیس لیول کی بات کی تھی کہ جب انسان کو اللہ نے سپر کانشیس لیول پہ پیدا کیا ہے تو قتل و غارت کیوں کرتا ہے. بڑا اس کا آسان جواب بھی ہے, جب اس دونوں میں تکرار ختم ہو جاتی ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ سپر کانشیس لیول ہوتا ہے جہاں انسان کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتا, وہ کرتا ہے جو اسے کہا گیا ہے کرنے کا. یہ بڑا اونچا لیول ہے نفس مطمئنہ کا. تو اب جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے پاس ہدایت ہے. کون یہاں پہ جس کو نہیں پتا بیسک زندگی کے قوانین, ویلیوز کیا ہے, ورچوز, جھوٹ مت بولو, سچ بولو, بےمانی مت کرو, لوگوں کا دل نہ دکھاؤ, بڑوں کا ادب احترام کرو, اچھا روڈ پہ کچرا مت پھینکو. وجہ یہ ہے کہ وہ کچرا آپ ہی کے گھر میں واپس آتا, ٹھیک ہے. دوسروں کا حق نہ مارو, ملاوٹ نہ کرو, یہ تو بیسک چیزیں کوئی بھی جانتا ہے, چاہے آپ کے پاس تعلیم ہو نہ ہو, آپ کو یہ پتا ہے کہ بیسک چیزیں. تو اب جب آپ کو ایسا عمل کرتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہے تو وہ آپ کی نفس کروا دے گی, نفس آپ سے جھوٹ بلوائے گی, نفس آپ سے رشوت دے گی یا رشوت لے گی. اگر آج کوئی باپ چاہے وہ پانچ وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اپنے بیٹی کی ایڈمیشن کے لیے, جو کہ بیٹا یا بیٹی اہل نہیں ہے, ایڈمیشن کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں, بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ وہ کسی کا حق مار پا. وہ جو سیٹ اس کے بچے کو مل گئی پیسے کی وجہ سے, وہ کسی کا حق تھا جو اسے نہ ملا. تو نماز وغیرہ سب بیکار ہے اگر کسی کا حق مارا. تو یہ تو بیسک چیز ہے, ہر ایک شخص جان سکتا ہے. ہاں اب ایک اور طریقہ جو آگے جاتے ہیں, یہ صوفیاء کرام وغیرہ اللہ کے جو درویش ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اپنی نفس کے خلاف جاؤ. تمہاری نفس کہہ رہی ہے ٹھنڈا پانی, گرمی ہے ٹھنڈا پانی پیوں, کہو ٹھنڈا نہیں پیوں گا, سادہ پانی پیوں گا. یہ نفس کے خلاف جاؤ. گرما گرم روٹیاں ہیں اور نہاری ہے یا کوفتے ہیں یا پائے ہیں, اور آپ نے کہا نہیں بس ایک روٹی کھاؤں گا دوسری نہیں کھاؤں گا, اپنی نفس کے خلاف جاؤ. آپ جو اوور ایٹ کرتے ہو نا, یہ آپ کی نفس کی وجہ سے کرتے ہیں, آپ کے جسم کو ضرورت نہیں ہے. تو جب کبھی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کی نفس چاہتی ہو, آپ کو خواہش ہو, اس کو کچھ دیر کے لیے روک کر دیں, کچھ کم لے کے دیکھو, تو آپ اپنی نفس پر قابو پاؤ. یہ طریقہ ایک بڑا زبردست بزرگوں نے بتایا نفس پر قابو پانے. اچھا جی نیکسٹ, دیکھیں نیا جو سسٹم لگا ہے ساؤنڈ, اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا, کیونکہ میں اپنی آواز بھی سن سکتا ہوں اور آپ کو عروج بھی آئی سننے کے لیے. اچھا جی السلام علیکم. اچھا یہ ہے کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی, میں ارسلان ارشد بٹ کوائن والا. یہ کوئی بٹ کوائن سمجھتے ہیں, آج کل بڑا مشہور ہوا تھا نا, اب تو کتنی مارکیٹ گر گئی بہت زیادہ, کرپٹو کرنسی تھی. تو انہوں نے سوال بھیجا, ہر اسٹوڈنٹ جس نے سلور 4D کی ہوئی ہے اور جب بھی ہیلنگ روم لیب میں آپ میں جا کر آپ سے ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اس کے خواب میں آ کر ہیلپ کر دیتے ہیں. ایون اگر کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہو جس کا سولوشن مل رہا ہو تو اس کا بھی سولوشن میں آ کے خواب میں بتا دیتا ہوں. 3 دن پہلے میری ایک فیملی ممبر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, درد اور بخار سے حالت بہت خراب ہو گئی. میں نے لیب سلوا کے اندر ہوتا ہے, میں نے لیب میں جا کر آپ سے ریکویسٹ کی کہ ریکی دے کر لیں اور وہ 30 منٹ بعد ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے, میں آفس کیسے چلاؤں گا اگر خواب میں ہی سارے کام ہوتے رہے تو میں ان کو تنخواہ کیسے دوں گا؟ یہ یوٹیلیٹی بل کون دے گا؟ آپ تو ویسے ہی بڑی کیپ ہے اور وہ بھی خواب میں, بٹ بہرحال بڑا پیارا ہے. اس رات پھر میں نے خواب میں آپ کو پھر دیکھا. آپ کے سب اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک سوال لازمی آتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کیسے خواب میں آ جاتے ہیں, اور کیا یہ طریقہ سکھائیں گے؟ میں چاہتا تھا آپ سے یہ سوال 4D میں پوچھنا سکتا تھا, کیونکہ اس سوال کا جواب ہر اسٹوڈنٹ دیتا. بھیا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ہر آدمی سیکھے گا اور خاص کر اگر عمر جوان ہوگی تو بڑا مسئلہ ہوگا. سیکھ ہر کوئی سکتا ہے, صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. ابھی ہم نے نفس والی سوال کر, میں اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے کسی کے خواب میں نہیں جاتا کہ بھائی تو پیسے دے دے مجھے ادھار کچھ, یا یہ کر دے, میں یہ کام نہیں کرتا.
یا اللہ کا کوئی ایسا قانون ہے جس کو عام آدمی نہیں سمجھتا کہ اس قانون میں جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں؟ میرے خیال میں پچھلی دفعہ بڑا خوبصورت تھا، کسی نے مولا علی کا ایک کال لکھا تھا کہ جس کو تم ڈھونڈتے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، یاد ہے آپ نے سنا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی، جب کوئی شخص تمنا کرتا ہے، خواب میں بلانے کی دعا کرتا ہے یا چاہتا ہے، خاص کر ان کیفیت میں، لیب میں، سلوا میں یا فور ڈائمینشن میں، پیرامڈ میں، تو میری جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی جاتا ہے وہاں، اور وہ جا کے جو بھی سوال کا جواب ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، ہیلنگ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر انسیپشن فلم آپ نے دیکھی ہو، جو اکثر لوگوں کو تو سمجھ ہی میں نہیں آئی ہے، اس میں کیا کمال انہوں نے تھیوری دی ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاتے ہیں اور اس خواب میں جا کے آپ اس کو ایک اور خواب دکھاتے ہیں، یعنی خواب میں خواب اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا لیول پہ ایک اور خواب۔ تو یہ ممکن ہے، تھوڑی سی پریکٹس، مجھے 40 سال ہو گئے، 5-10 سال آپ تھوڑے سے لگائیں، سلوا، ہپنوسس، NLP، 4 ڈائمینشن لگائے، پریکٹس کرتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، تو یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی زمانے میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، میری ایج کم تھی، ایک سینیٹر صاحب کی وائف آتی تھی میرے پاس سیکھنے کے لیے، نام نہیں بتا سکتا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، مگر کسی بات پہ میں ان سے سخت ناراض ہوا۔ اچھا، میں اپنی ناراضگی کا برملا اظہار نہیں کرتا، اپنی آواز کی ٹون وغیرہ بڑھاتا نہیں، مگر ناراض ہوا میں۔ تو دوسرے دن وہ مجھے ملی کراچی جم خانے میں اور کہا کہ پلیز، رات کو آپ میرے کمرے میں آئے تھے، میں بہت ڈر گیا، معافی چاہتا ہوں۔ اس نے معافی مانگی، اس کے بعد سے میں کبھی گیا نہیں، وہ ایج کم تھی نا، اس لیے تھوڑا سا کنٹرول، غصہ آ گیا تھا۔ اینی وے، السلام علیکم سر، آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ، اٹ ول بینیفیشل فار لاٹ آف پیپل اف یو کڈ گیو اے ڈیٹیل لیکچر آن نماز کی افضل، لائک ون ان یور تھرسڈے لیکچر، ایز آئی ٹرائی ٹو پرے نماز بٹ کانٹ میک اٹ ہیبٹ فار سم ان نون ریزن، اینڈ آلسو وین آئی سی پیپل ہو آر نماز یٹ دے آر سو بیڈ، آئی فیل اف نماز کانٹ چینج، آئے گا کچھ ایسے ہی ہے۔ اچھا، سمجھ گیا نا، نماز کانٹ چینج پیپل، یہی ہوگا، پرچا چلا گیا میرے پاس۔ اچھا، میں نے نماز پہ پچھلے ہفتے کافی تفصیل بات کی، آپ نے سنی ہوگی، پھر بھی لوگ چاہتے ہیں، دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو پکڑ لیں، نماز کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک جملہ، 5 فرائض ہیں دین اسلام میں جو ہر مسلمان پر اور ہر مومن پر فرض ہیں، ویسے تو 5 سے زیادہ ہے، مگر عام طور پر 5 کہتے ہیں۔ عبادتوں میں شامل ہے نماز ہے، زکات ہے، وکیل میں صلاح بات و زکات، نماز و زکات ساتھ ساتھ چلتی ہے، زکات ہے، تیسری جو ہے وہ کیا ہے، حج ہے، پھر اس کے بعد روزہ، اور پھر جہاد، 5ویں جہاد۔ اچھا دیکھیں، روزہ بندہ خدا رکھتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، حج بندہ خدا کرتا ہے، زکات بندہ خدا دیتا ہے، جہاد بندہ خدا کرتا ہے، مگر نماز نمائندہ خدا ادا کرتا ہے۔ فرق، کیونکہ نماز میں کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی معدنیات، نباتات، حیوانات، جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہے، مٹی کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑ، آبشار، پانی، نمک، دریا، درخت، پھول، پتے، جانور، ہر قسم کی، سب کا نمائندہ حاضر ہے بارگاہ الہی، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، کہتا آنکھیں بند کر کے پڑھ لو، کہتا کھڑے رہو، پھر جھکو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو۔ یہ ریزن یہ ہے کہ چاروں پوزیشن آپ کو دنیا میں نظر آئے گی، اللہ کی تمام مخلوق ان چاروں پوزیشن کے اندر، تو اس لیے یہ پوزیشنز نماز کے اندر ہے، اور یہ ارکان جو نماز کے ہوئے، تو نماز نمائندہ خدا ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جب نماز پڑھو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم بارگاہ الہی میں، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز لوگوں کو بدلتی کیوں نہیں ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، پوری مسلم امت کے لیے سوال ہے، لمحہ فکر یہ ہے، جمعے کو آپ کو نماز کی جگہ نہیں ملتی، روڈوں پہ جائے نماز بچھائی جاتی، اتنے لوگ جمعے کو نماز پڑھتے، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، تمام مقدس مقامات پر جمعے کے دن لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟
آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا. کچھ وجوہات ہیں اس کی. پہلی چیز, اللہ کا قانون سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ قانون سب کے لیے برابر, یہودی کے لیے, کرسچن کے لیے, ہندو کے لیے, ازان کے لیے. تو اللہ کا قانون سب کے لیے برابر, جو بو گے وہ کاٹو گے. ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ہر عمل کا رد عمل ہے نا. اللہ سب کے لیے, جو نہیں مانتا اس کو بھی رزق بھی دیتا ہے, شفا بھی دیتا ہے, اس پہ رحمت بھی نازل کرتا ہے اپنی, اس کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے. سب شرط یہ کہ اللہ کے قوانین کو سمجھو تو کامیابی ملے گی تمہیں. اب اگر آپ نماز پڑھ کے باہر نکل کر غیبت کرتے ہو, باہر نکل کے چوری کرتے ہو, باہر نکل کے ملاوٹ کرتے ہو, باہر نکل کے خراب کرتے ہو روڈوں کو, تو کیسے رحمت ملے گی اس کی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے پانی اتنا ضائع کرتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت دیکھ کر. میں بھی وضو کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے کم سے کم پانی استعمال کرتا ہوں, کم سے کم. میرا نہانا ایک دفعہ میں دبئی سے سین فرانسسکو جا رہا تھا, تو 16 گھنٹے کی فلائٹ ہوئی تھی, بہت بڑی فلائٹ, اور میری خوش نصیبی کہ انہوں نے مجھے فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ کر دیا. اب فرسٹ کلاس میں روم بنے ہوتے, کیبنز ہوتے ہیں جہاز میں, اور 380 ایئر بس, اور اس میں باقاعدہ ایک سپا ہے, یعنی باقاعدہ نہانے کا غسل خانہ ہے الگ سے. تو دو لوگ تھے پورے فرسٹ کلاس میں, تو میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا, میں نے کہا لینڈ ہونے سے 2 گھنٹے پہلے میں شاور لوں گا. کہا ٹھیک ہے. اچھا جی, میں اٹھا, اٹھنے کے بعد میں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد میں شاور لینے گیا, تو اسے سارا سیٹ کر دیا, تولیہ شولیہ ہر چیز لگا دیا. اچھا, واش باتھ روم میں ان کا ایک ٹائمر ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہوتی ہے پانی کی, ہوائی جاتا ہے, تو 5 منٹ بعد وہ بند ہو جاتا ہے شاور, یعنی آپ 5 منٹ میں نہا لیں. میں 2 منٹ میں نکل گیا. ارے بندے خدا, فرسٹ کلاس کے اندر آپ ہیں, آرام سے بیٹھ کے تو 5 منٹ پانی تو باہر تھا نہیں باہر. کیوں؟ میں پانی نہیں بہا سکتا زیادہ. یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ ریسورس ہے, اور یہاں لوگ وضو کرتے ہوئے اس طرح پیر دھوتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی دفعہ دھو رہے ہیں. اتنا پانی بہ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آپ کا کردار اور عمل کیا ہے ہمارا؟ تو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا.
दुआएं बारगाह इलाही में पहुंचती है, मगर कानून कुदरत के साथ अगर अलाइनमेंट नहीं होती उस दुआ की, यानी अमल दुआ के साथ ना हो तो वो फ्रूट नहीं देती आपको, वो फल नहीं मिलेगा आपको आपकी दुआ का। तो पहली चीज तो ये कि खुदा ताला की, अल्लाह ताला की नेमतों को जाया कर रहा है। आज पानी देखे ना, मैं अपने घर में नहाता हूं, मेरे ख्याल में 2 मिनट में मैं नहा के निकलता हूं, मैं शेव करता हूं तो कंटिन्यूसली मेरा नल खुला नहीं होता। मैं बाहर जाता हूं, इवन इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, जैसे अमेरिका में गया होटल में हूं, भाई मैंने तो पूरे दिन के किराया दिया है, मैं जितना पानी इस्तेमाल करूं वो तौलिया में रोज इस्तेमाल करूं, नया नहीं करता, मुझे पता है तौलिया मैंने इस्तेमाल करना है। मैं 3 दिन होटल में हूँ, 4 दिन होटल में हूँ, वो वही तौलिया इस्तेमाल करूंगा। क्यों? वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं क्यों उसको डालू धोने के लिए रोज? क्योंकि रोज धोने के लिए डालूंगा तो उसको धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल हो गया, वॉशिंग पाउडर, वो वॉशिंग पाउडर नालों, नदियां और नहरों में और दरियाओं में जा रहा है आपका, और वो जहर है। आप अपने दरियाओं के अंदर जहर डाल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हैं रोज नया टॉवल हो आपके पास। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में कभी फेस पर साबुन नहीं लगाया, और लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपका चेहरा तो यंग लगता है, कोई झुर्रियां नहीं है। वजह यह कि मैं वो इस्तेमाल नहीं करता जिससे आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही है। पानी से धोता हूं अपना चेहरा। तो एक, खुदा ताला की नेमतों को जाया करना, दूसरा खुदा की नेमतों का सही इस्तेमाल ना करना। ये जो दिमाग और जहन अल्लाह ने दिया ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, उसका इस्तेमाल तो करो, वो भी नहीं करते। इल्म हासिल करने का शौक नहीं है, एमबीए की डिग्री आ गई, बीबीए की डिग्री आ गई, इंजीनियर बनने पर काफी है, किसने का काफी है भाई? सीखने का अमल मां के गोद से लेकर कबर की गहराइयों तक कंटिन्यू रहता है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। और नमाज में क्यों कबूल नहीं होती? वजह इसकी बोलते हैं, नमाज इंसान की शख्सियत को चेंज कर सकती है, उसके इखलाक को, किरदार को, मगर वो इसलिए नहीं करती। मैंने एक जुमला कई दफा कहा है कि नमाज में बंदे का सर तो झुकता है, सर वाला नहीं झुकता। सर झुकाना कुछ और है, जिसका सर है वो नहीं झुकता। तो जब जिस दिन सर वाला झुकने लगा, उस दिन नमाज आपको कहां से कहां पहुंचाती, मेराज है नमाज तो, इबादत होगी। नेक्स्ट सवाल जी, सर दुआ मांगते वक्त कैफियत कैसे पैदा? अच्छा, एक और भी इन्होंने पूछा था कि वो नमाज में वो उनसे मिस हो जाती है। देखिए, अगर आप एक आदत डालें, बनाए, तो उसका तरीका ये है कि आप 30-40 डेज में अगर एक काम रूटीन में डेली करें तो आपकी आदत बन जाएगी। तो अब उसका तरीका ये है कि आपने पक्का इरादा कर लिया कि जी मुझे नमाज नहीं छोड़ना। आइडियली तो आप 5 नमाज पढ़ें, एक नमाज से शुरू करें जो आप समझते हैं कि उस वक्त पढ़ सकते हैं, अलार्म रख दें, टाइमर रख दें। सोने से पहले फजर की नमाज, सोने से पहले तसव्वुर करें कि लेट से 6:45 अलार्म बज रहा है, मैं उठाऊं और मैंने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अगर आपस पास काम नहीं है सो जाए, और उस चीज को अपने अंदर पैदा करें, उस जज्बे को, उस कैफियत को, कि जब आप नमाज पढ़ के फारिग हुए तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक खुशी होती कि आज मैंने रब की इबादत की, सुबह उठ गया, उसको पैदा करें। क्योंकि आपका माइंड कोई चीज भी क्रिएट कर सकता है, क्रिएट करें और फिर सो जाए, अलार्म बजेगा खुद ब खुद उठेंगे। 30-40 डेज आदत डाले, आपको फजर की नमाज की आदत हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फजर भी उठने लगे तो फिर जोर असर का भी कर ले, मगरिब इशा का भी कर। ये सवाल इनका है, दुआ मांगने में कैफियत जरूर नहीं आता, दिल सख्त हो चुके, नमाज में जो कैफियत होनी चाहिए वो नहीं है, ये दिल पर किस तरह मेहनत करें? समझे क्या कह रही है कि वे नमाज पढ़ते हुए दिल में वो रिक्कत पैदा नहीं होती, दुआ में वो जज्बात नहीं आते, रोना नहीं आता। मैं एक राज बताता हूं, और अगेन इल्म अल्लाह की तरफ से आए सारे उल्म। इंसान की जो फिजियोलॉजी है, उसका जिस्म, उसके चेहरे के तासुरात, उसका ताल्लुक उसकी न्यूरोलॉजी से, दिमाग से, एनएलपी में मकसद सिखाते हैं। अब न्यूरोलॉजी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इसीलिए आपको रोना नहीं आता, नमाज में रिक्कत पैदा नहीं होती, दुआ में वो दर्द महसूस नहीं होता,
क्योंकि आपका न्यूरोलॉजी ब्रेन आपको साथ नहीं दे। अब आप क्या करें, उसका तरीका यह है कि आप नमाज में इनिशियली कोशिश करें कि आप रोए। अच्छा, आर्टिफिशियल रोना जिसको कहते हैं, मस्नूई रोना कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंसान मस्नूई तौर पर रोना शुरू करता है, ब्रेन में एक नया सर्किट बनता है, स्नैप्स बनता है। वो जैसे ही स्नैप्स बनेंगे तीन चार दफा, आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत रिक्कत की पैदा होना शुरू होती है। एक तरीका तो प्योर साइंटिफिक है। दूसरा, अपनी जिंदगी के अंदर जो परेशानियां जो मुश्किलात आप पर हैं उसको याद करें, तो आपको खुद ब खुद आपके दिल में एक कैफियत पैदा होगी। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, पेन होता है, किसी को माशी परेशानी है, किसी को घर की परेशानी है, किसी के औलाद नाफरमान है, किसी के माँ बाप सख्त हैं, किसी का क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। जिंदगी में हर इंसान को कुछ ना कुछ मसाइल हैं, और ये इस वजह से है कि उसके बगैर आप जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते। अगर 24 घंटे रात हो तो आहिस्ता आहिस्ता रात का मजा खत्म हो जाएगा, और 24 घंटे अगर सूरज हो तो सूरज का मजा अंग्रेज को खत्म हो जाएगा। अंग्रेज जब सूरज निकलता है तो कहते हैं ना समर डेज, बड़े निकलते हैं बाहर खेलते कूदते। जिन ममालिक में सर्दियां बहुत होती है वो वेट कर रहे होते हैं कब सूरज निकले, कब हम सूरज को देखें। उनसे पूछो सूरज कितना उनके लिए कीमती है, और जहां सूरज ज्यादा तेज होता है वो ढूंढते छाव कब आए, बारिश कब आए। तो ये जो लाइफ के अंदर मुख्तलिफ कैफियात हैं, मौसम की भी हो, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम दूसरी चीज को अप्रिशिएट। आपकी जिंदगी में दुख परेशानी आते हैं तभी तो आप खुशी को अप्रिशिएट कर सकते हो। खुशी महसूस ही इसलिए कर सकते हो कि कभी वो ना थी आपके पास, अब आप आई है तो आप महसूस कर सकते हो। अगर हर लम्हे इंसान खुशहाल रहे तो थोड़ी देर में खुशी का मतलब खत्म हो जाएगा उसका, उसके लिए दुख लाजिम है। तो अगर आप अपनी इन चीजों को याद किया करें तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, किसी अच्छे कारी की तिलावत सुना करें कुछ देर, 5-10 मिनट सुने वो तिलावत, उससे भी एक कैफियत पैदा होती है आपके दिल में। आवाज में बड़ा जादू होता है, कुछ कारी की आवाज में ऐसा। मैं सालों पहले हज पे था, हज अकबर थी, तो मदीना में जिस जगह में रह रहा था वहां जो करीब मस्जिद थी, वहां जब अजान होती थी ना, उस मौज़िन की आवाज में क्या दर्द था, उसको सुनते हुए आंखों में आंसू आ जाते। तो ये जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके दिल को सख्त कर देती है। तो एक टेस्ट तो ये है कि जिस वक्त अजान हो क्या कैफियत पैदा होती, कुछ नहीं होती तो दिल सख्त हो गया। तो फिर मस्नूई तौर पर आदत डालो, वो आहिस्ता आहिस्ता रियल होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, ये उर्दू में आया जी, दो सवाल। ये तलहा शफीक ने लाहौर से भेजा था। मेरे सूफी आप पर अल्लाह करवट करवट रहमत फरमाए। नहीं सॉरी, सूफी, अच्छा ये कासिम अलवी का है, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही। नमाज ही क्यों कामयाबी कहा गया, मैंने नमाज पे एक्सप्लेन कर दी भी, नमाज के ऊपर ही था। अच्छा, कोशिश करें मौलवी वाले सवाल ना भेजे भैया। अच्छा, ये भी सबकॉन्शियस का, ये मैंने बता दी। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आ रहा हो तो इंसान क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन है लंदन बेस्ड है वो, ऑक्सफोर्ड में, यूके में, लियो, आपने नाम सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है, डायरेक्ट सेलिंग। हमने उनके लिए, मैंने उरूद ने जाकर फरवरी में वीडियोस बनाई थी 14, तो बड़ी कामयाब हुई है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे उर्दू में। उनको उर्दू जो उनके मेंबर्स है पाकिस्तान में 1.5 लाख उनके लिए थी, और वो बड़ी हिट हुई है वो सेल उसकी। उन्होंने फिर लिखा है हमको कि और वीडियोस चाहिए नए सब्जेक्ट पे, तो इंग्लिश में भी उर्दू में भी, क्योंकि उनके पूरी दुनिया में उनके मेंबर्स हैं। तो मैंने एक कुछ लिस्ट बनाया, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने टॉपिक रखा है, व्हेन गॉड इज क्वाइट व्हाट डू आई डू, व्हेन गॉड इज क्वाइट व्हाट डू आई डू। आप उसको लफ्जी मायने मत ले, मेटाफोरिक है ये, कि जब अल्लाह खामोश है, कोई जवाब नहीं देता, मैं क्या करूं। तो उसमें मैं और उर्दू मिलके आधा घंटा उस पर बात करेंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू में। अब ये भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता सवाल है कि जिंदगी में जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो क्या करूं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता भटक गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
फिर उसका एक ही जवाब है, इंतजार करो। अगर मैं एक चौराहे पे हूं, मुझे नहीं पता मैं दाएं जाऊं बाएं जाऊं किस तरफ जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। कोई रहबर मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए, कोई गाड़ी गुजरे तो मुझे रास्ता बता दे कि मुझे किस सिम जाना है। जिंदगी में कई दफा ऐसे मराइल आते हैं कि जब इंसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो वेट करें, कोई ना कोई रहबर मिलेगा, अल्लाह तआला से दुआ करें। मुमकिन है ही नहीं कि रब आपको अकेला छोड़े। जब वो क्वाइट हो ना, इसका मतलब है कोई बड़ी प्लानिंग है उसकी, बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। आपको सिर्फ वेट करना है कि वो प्लानिंग कब आपके सामने आए। When God is quiet, what do I do? Next सवाल, दौलतमंद इंसान को बुरा कैसे ना कहे? ऐसे मैं जवाब दे चुका हूं, वो आपका हक जब्त कर चुका हो, प्रॉपर्टी की सूरत में, सैलरी की सूरत में, पार्टनरशिप की सूरत में। इंसान की तो आदत बन जाती है सुख सा बदाव बद्दू लेने की, जब आप कहा हो कहते हो दौलतमंद। अच्छा, मेरा एक चीज याद रखें, हम एक चीज आपको समझाते हैं और आज भी समझा रहा हूं, हर इंसान के अमल जो करता है वो अच्छा अमल या बुरा अमल, आप उस अमल की तारीफ कर सकते हैं या उस अमल को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं बंदे के लिए। बंदा और अमल दो अलग अलग चीजें, अमल बंदा ही करता है। अब हमें नहीं पता कि किसी शख्स के बजाय बुरे अमल के पीछे इंटेंशन नियत क्या था। बच्चा अक्सर रोता है, माँ उसको टॉफी दे देती है, बच्चा चुप हो जाता है। अब बच्चा क्या सीखता है कि जब टॉफी चाहिए रोना शुरू करो, फिर वो रोएगा माँ टॉफी देगी। मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मा कहा करती थी, मैं बड़ा जिद्दी बड़ा गुस्से वाला ADHD चाइल्ड हाइपर डिसऑर्डर, कहते बाजार में ले गए तो मैं जमीन पे लेट जाता था, तो मुझे खिलौना था ना उठू सड़क पे लेट जाता था। मेरे माँ बाप की बहुत मेहरबानी, मुझे बड़ी मुश्किल से पाला पोसा उन्होंने। अब बच्चा क्या सीख रहा है, बिहेवियर क्या आ गया उसकी कि जब खिलौना चाहिए रो दो या कुछ करो। तो अब उसकी इंटेंशन खिलौने की रोने की नहीं है, उसे पता नहीं कि क्या दूसरा कोई रास्ता है खिलौना हासिल करने के लिए या मिठाई हासिल करने के लिए रोने के अलावा, उसे नहीं पता। चूंकि नहीं पता तो वही करेगा, यही अक्सर इंसानों में होता है। और जो इंसान हक मारता है दूसरे का, किसी की सैलरी मार ली, किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, एक लम्हे के लिए सोचे, मुझे बता, हम सब यहां बैठे हैं, चाहे आप मुसलमान हो या किसी और मजहब से हो या मजहब ना भी हो, एक तो चीज आपने देखी है ना कि इंसान, हर इंसान जो दुनिया में आया है वो कभी ना कभी वापस जाएगा। एक औरत आई बुद्धा के पास, उसका शौहर मर चुका था, एक ही बेटा था 20 साल का जवान बेटा, जो काम करके रोटी लाके देता तो माँ को बेटे खाते थे। वो शदीद बीमार हुआ, हकीम शकीम को बुलाया, वो नहीं इलाज कर सका और बहुत बुरी हालत हो गई, बस जबान के ऊपर उसकी जान थी। किसी ने पूछा कहा उससे कि जा बुद्धा के पास जा। अच्छा, अब वो बुद्धा के पास आई, तब तक उसका बेटा मर चुका था, उसको इत्तला मिली कि मर चुका है, रोई धोई बुद्धा के पास आई कि मेरे बेटे को फिर जिंदा कर। बुद्धा ने उसे क्या कहा, जाके किसी घर में से सेसमी सीड को उर्दू में क्या कहते हैं, तिल ले आ थोड़ा सा, तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर एक शर्त है बुदा ने, उस घर से तिल लाना जिस घर में कभी कोई मौत ना मरा हो, कोई मरा ना। तो उस वक्त तो जोश जोश में मां चली गई, एक दरवाजे को खटखटाया, तिल दिया, उसे कोई मरा था, मेरे दादा मर चुके थे, नहीं यहां से नहीं ले सकते। दूसरे घर में गई, खटखटाया, वापस उसने तिल दिया, तो पूछा औरत ने माँ ने कि इस घर में कभी किसी की मौत हुई? उन्होंने कहा मेरे नाना की मौत हुई थी। अब वो करते करते शाम तक जितने घर थे सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा कि यहां इस घर में कभी ना कभी कोई मरा है। अब शाम तक वो समझ गई कि बुद्धा ने उसे किस काम को लगाया, कुल्लो नफ्स ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को। तो अब जब सब जानते हैं कि मौत आनी है, अटल है, पर हक है,
تو انسان کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اسے پتا نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ نفس امارہ۔ کبھی کبھی نفس لوامہ آتی ہے نا، یہ کیا کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو پھر نفس امارہ کوئی چیز معاشرے سے لے کے آتی ہے۔ نہیں نہیں، زکات دے دے، اللہ معاف کر دے، حج کر دے سارے گناہ معاف۔ حج پہ وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جس کا تعلق لوگوں سے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، حقوق العباد میں وہ نہیں بولے گا، جب تک وہ معاف نہ کرے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آج لگتا ہے وقت سلو ہو گیا، میں اتنا بولا ہوں مگر ابھی بھی ٹائم ہے۔ میری ایک ہی مخلص بہن، یہ بھی کر چکا ہوں، سر کشف سما، ایک بھی بات کی نا، اچھا کہ کیا علم کے مطابق کیا ہے، میرے مطابق کیا ہے کشف سما سے، کیسے کوئی اس کائنات میں صدیوں سے بکھری آوازوں کو سن سکتا ہے، اس یہ کس مرحلے پر آتی ہے؟ ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں جنہوں نے فور ڈائمینشنل سلوا کیا، اکثر ہم کہتے ہیں کلائر وائنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جینیس کی نشانی یہ ہے، جو شخص جینیس ہوگا اس کی نشانی ہے کہ اس کی ویژولائزیشن اور امیجنیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ویژولائزیشن اور امیجنیشن بہت، وہ جینیس ہوتی ہے۔ کہ جینیس محتاج نہیں ہے اس علم کا جو کتاب میں ہے، عام آدمی اس علم کا محتاج ہے جو کتاب میں ہے، جینیس محتاج نہیں، اور راستوں سے علم آتا ہے، پر اللہ جسے عطا کرنا چاہتا کرتا ہے۔ اگر اللہ غیر مسلم کو علم نہ دیتا تو آج میڈیسنز نہ بنتی، آج زندگی میں اتنے آرام نہ ہوتے، یہ گاڑیاں ہوائی جہاز جس میں بیٹھ کے حج عمرہ کرتے ہیں گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے، پہلے مہینوں کا سفر ہوتا تھا، آج زندگی بچانے کے لیے کیا کیا ادویات ہیں آپ کے پاس، دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی اب خوراک نہیں ہے، تو پھر جینیٹک انجینئرنگ سے چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں جو کہ غلط ہے، نقصان کرتی ہے۔ کسی نے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سے پوچھا، ایگریکلچر کا سائنٹسٹ تھا، کہ یہ جو آپ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر کے بیج نئے نئے بناتے ہو جس سے فصل زیادہ ہوتی ہے، کیڑا نہیں لگتا، مگر یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ بات سن، اگر یہ نہیں کریں گے تو خوراک نہیں اتنی ہوگی جتنے کھانے والے ہیں، تو بھوک سے مرو گے، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بیماری سے مرو گے، مرنا تو کبھار کوئی نہ پوچھے، تو یا تو کھا کے مرو یا بھوکے مرو۔ بات بالکل صحیح تھی۔ تو کشف سما جو ہے، سما کہتے ہیں سننے کو، تو اس کو ہماری انگلش میں ٹرمینالوجی میں سلوا میں اور فور ڈائمینشن میں کلائر آڈیم کہتے ہیں، یعنی وہ آواز جو عام کان کو نہیں سنائی دیتی وہ سنائی دے، چاہے وہ مستقبل کی ہو یا ماضی کی۔ کشف کہتے ہیں کسی چیز کا ریویل ہو جانا، کسی چیز کا پتہ چل جانا، وہ منزل جب راز بہت سارے کائنات کے باری باری آپ پر انکشاف ہوتا ہے، ان رازوں کا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے، کائنات کے بہت سارے راز، فار ایگزامپل اشیاء کا علم۔ اب پانی لے لیں، میرے لیے تو شاید یہ پانی ہی ہے، مگر ایک سائنسدان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، وہ دیکھے گا آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر پانی بنا ہے، تو اب اس پانی کا جو کانسٹیٹیوٹ پرنسپل ہے، جو اس کا راز ہے ہر شے کا، وہ سائنسدان جانتا ہے، تو یہ بھی کشف ہے۔ کشف کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ حلیہ کشف والا ہو، سائنسدان جو ہے جنہوں نے کچھ چیز بھی ڈسکور کی، آپ کے خیال میں ویسی ڈسکور کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک رب نہیں چاہتا کوئی ڈسکور ہو نہیں سکتی کوئی چیز، تو وہ پھر عطا کرتا ہے لوگوں، اور ان میں سے جنہوں نے بری نو انسان کے لیے بڑے کام کی، آج ٹرینیں بنی ہیں آپ کے پاس، دنیا میں جب پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا آپ کو پتا ہے کتنی مشکل تھی، سامان کو ایک جگہ سے کھینچ کے لے جاتے تھے، ایک بندہ تھا، وہ نے پہاڑی کے ٹیلے پہ کچھ درخت کٹ رہے تھے لکڑیاں آگ جلانے کے لیے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، اب وہ درخت کٹتے اور وہ دھکا مارتا تو پہاڑی سے رول کرتا ہوا درخت نیچے آتا، تہنی اس کی تہنا جڑی، سب دیکھ رہے تھے، ایک آدمی کو عجیب میرے خیال ہے، اس نے کہا یار یہ خود بخود اگر رول ہو تو نیچے گر جاتا ہے، تو گولائی کا کانسیپٹ آیا اور پہلا پہیا اس نے بنایا،
हर इंसान जब कभी बैठे कहीं पे तो बारिश का खतरा आसमान से आता है आपको लगता है, कभी कोई चीज ऊपर से आती है, कभी सोचा कि कैसे गिरी ये चीज ऊपर से? नहीं सोचा। एक ने सोचा जिसपे सेब गिरा था, वो न्यूटन था। तो जब अल्लाह ने किसी को कोई इल्म अता करना होता है वो सेलेक्ट करता है, बास को इल्म अता कर आजमाता भी है कि ये किसी को फायदा देगा या नहीं देगा या अपनी जेब भरेगा। और बास को इसलिए इल्म देता है कि वो आलायकार बन जाता है रब का इस दुनिया में इंसानियत की फलाह और बहबूद। तो ये जो कश्फ समाये हुए है कि ऐसी आवाज सुने ना जो सदियों तक। अब इस पे साइंटिफिकली बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मैं कुछ दिनों पहले नीपा में ट्रेनिंग दे रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रेड 19 के ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 20 में प्रमोट होने वाले। उनमें से एक साहब ने इसी रिसर्च का हवाला किया जो बरसों पहले मैं पढ़ चुका था। वो रिसर्च ये हाइपोथेटिकली पहले दिन से इस दुनिया में जो भी इंसान के अलावा भी चीज आई, मैं इंसान की बात करता हूँ, जो इंसान आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और कयामत तक जितने इंसान आएंगे इस धरती पर, उनका चलना फिरना यानी हरकत मूवमेंट, उनकी बातें आवाज और उनका ख्याल और सोचना इरताश, ये तीनों चीजें स्पेस में मौजूद है। पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक मौजूद है, रहेगी। अब अगर मौजूद है तो क्या हम उसे सुन सकते हैं? यस, सुन सकते हैं। देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। ये जो स्पेस है ना, ये बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। आम आदमी नहीं देख सकता, आम आदमी नहीं सुन सकता। अब रब जिसको वो मंजिल अता करता है कश्फ सवा की, वो आवाज सुन लेता है, बहुत दूर की भी, पुराने वक्त की भी और आने वाले वक्त की। अब इसमें दो चीजें, एक रूहानियत और एक सलाहियत। कुत्ता जो है लैबराडोर, अगर आपने देखा कहीं पे भी अगर ड्रग्स चेक करने हो, असलाह चेक करना हो, बारूद चेक करना हो, तो एक कुत्ते की नस्ल बड़ी मशहूर है, लैबराडोर कहते हैं। लैबराडोर का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो 6000 से ज्यादा बू को डिफरेंशिएट कर सकता है लैबराडोर, दूसरा कुत्ता नहीं करता। हर कुत्ते की अपनी अपनी कुछ सलाहियत, ये नस्ल में सूंघने की सलाहियत बड़ी कमाल की, इंसान में नहीं है। अच्छा, कुत्ता वो आवाज सुन सकता है जो इंसान नहीं सुन सकता। तो एक तो रूहानी कश्फ की हम बात करते हैं, एक ये भी है कि इंसान अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कर सकता है कि वो आवाज सुन सकता है। सालों पहले मैं ट्रेनिंग में था और वो ट्रेनिंग बड़ी अजीब गरीब थी, 10 दिन की ट्रेनिंग थी। उस 10 दिन में जैसे आप दाखिल होते हैं और 10 दिन के बाद आप निकलते हो, आप बोलना मना है, आप बोल नहीं सकते, कोई वहां पे बात नहीं करता, आवाज नहीं होती वहां पर। और हर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है आपके कमरे के बाहर कि जी सुबह इतने बजे नाश्ता होगा, यहाँ मराकबा होगा, यहाँ वर्जिश होगी, यहाँ ये होगा, यहाँ सत्संग होगा, मुख्तलिफ बातें होंगी, लेक्चर्स होंगे, मगर उस लेक्चर के अंदर कोई बात नहीं करेगा। अरे बड़ी अजीब सी बात है, अरे लेक्चर है बात क्यों नहीं कर रहा, वो बंदा बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा, मगर वो बोल रहा है, सोच तो है ना। अब आपकी तरबियत ये कि ख्यालात पढ़ लें उसके, वो क्या बोल। पांचवें छठे दिन हमारी ये हालत थी कि जमीन पे चलने वाला कीड़ा मकोड़ा, वो बड़ा जो ब्लैक कलर की एंट आती है, उसके चलने की आवाज सुनाई देती थी क्योंकि कोई और आवाज नहीं थी। सामने बैठा हुआ गुरु जी जो बैठा है सामने, वो कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है, आप उसके सामने बैठे और आपको पता चल जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये आवाजें बंद तो हो पहले हमारे अतराफ की, तब वो आवाजें सुनाई देगी। तो इसको कश्फ समा कहते हैं। ठीक है जी, व्हेनेवर वी लिसन समथिंग व्हिच हर्ट्स आवर ईगो, ये भी मैं कर चुका हूं। अच्छा, एक सवाल ये, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बिकॉज आई ऑलवेज हैव ब्लाइंड फेथ दैट दिस टाइम माय प्रेयर विल आंसर, बट व्हेन टाइम कम्स आई ऑलवेज गेट डिसहर्ट and because of this my belief become weak, so kindly answer. Aksa ne bheja ye kahin se, samajh gaya kya kehta, har tarah mujhe yakin hota hai ki meri dua qubool hogi, mujhe ye kaam ho jayega, aur woh nahi hua. Ab inka kehna hai ki mera aqeeda hai, bibi aqeeda hai hi nahi aapka, to ka aqeeda hota to baad mein ye afsos na hota ki meri dua qubool na ho, ye to aap samajhte hai ki aapka aqeeda hai,
भाई मैं अगर मेरा ईमान है कि मेरा रब मुझे मेरी माँ से 80 गुना 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, वो मेरा खैर ख्वाह है, वो कभी मेरा नुकसान नहीं चाहता, वो हमेशा मुझे बेहतर से बेहतर बनाना चाहता, तो अगर मुझे कुछ नहीं मिला, मेहनत के बावजूद नहीं मिला, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहता, मेरे लिए बेहतर नहीं है, आई शुड वेट। ईमान ये होना चाहिए आपका कि दुआ मानते वक्त हमेशा एक हो कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है, नहीं है तो नहीं हो। अब यहां बड़े चालाक लोग भी, एक लड़की ने मुझे ईमेल की कि आप ये बात कहने सही है, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये मेरे लड़का ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दे, उसको बना दे उस तरह से, तो ये क्यों कहूं कि जो भी बेहतर हो मैं उसी को क्यों ना कहूं कि सज्जाद ही हो मेरे लिए। तो तेरे कायनात में तो किसी चीज की कमी है, तेरे तेरे पास तो, तेरी कुदरत में तो हर चीज, उसका दिल मेरी तरफ कर दिया। अल्लाह इस तरह किसी का दिल नहीं करेगा, क्योंकि उस पे जुल्म होगा, उसका दिल है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम अल्लाह से दुआ कर रही हो उसका दिल। हाँ, मियां बीवी के दरमियान कोई मसाइल हो तो फिर आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, तो अलग बात है, रिश्ता मौजूद है ऑलरेडी, एक रिश्ता है ही नहीं और वन साइडेड लव है तो ये ज्यादा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में टाइम हो गया, सलीम साहब हो गया, चले जी मेडिटेशन में बैठते हैं। चंद बातें बता दो, दो मिनट के लिए। एक तो इतवार को मनी माइंड है कराची में, बराए करम ये याद रखें कि कल 2 बजे हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। इनफैक्ट मैंने उरूज से कहा था बंद कर दो, ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं हमारे पास जगह नहीं, हम सुबह भी होटल गए थे, हमने अरेंजमेंट किए, तो कल 2 बजे हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। हम कोशिश करेंगे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन ना लें, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है। ये दोपहर 2 बजे शुरू होगा इतवार को, अगर आपको नहीं पता तो शुक्र है नहीं पता कि कहाँ पर, ठीक है, जिनको पता है रजिस्ट्रेशन करा है वो पहुंच जाइएगा, 1 बजे पहुंच जाइएगा। उसके बाद हम इस्लामाबाद होंगे अगले हफ्ते, इस्लामाबाद में हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में NLP का ट्रेनर्स कोर्स करा रहे हैं, 5 दिन का होगा, और 5 दिन के बाद हर महीने 3 घंटे का अलग होगा, 6 महीने तक चलेगा, और जो लोग कोर्स करेंगे वो ट्रेनर बन जाएंगे, और अमेरिकन सर्टिफिकेशन के बाद वो अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, चाहे वो अपने मोहल्ले में करे, किसी स्कूल में करे, कॉलेज जाके करे, करे ट्रेनिंग, लोगों को NLP सिखाना है। तो ये 2 ऐलान थे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह लंदन है, फिर बताऊंगा अपने मेरा। चलिए जी इब्तिदा करते हैं, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ फिर भी लोग नहीं समझते, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सीने पे हाथ रखें, या जिस्म में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ दोनों हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई है, वालदा बीमार है, वालिद बीमार है, बूढ़े हैं, तो जहाँ उनको तकलीफ है वहाँ हाथ रखें। अगर नहीं समझ में आता कि हाथ कहाँ रखूँ, जहाँ दिल चाहता है उनके जिस्म पे हाथ रखें। और अगर कोई दूर है, पाकिस्तान में नहीं है, घर में नहीं है, दूर है, तो आप अपने जिस्म पर हाथ कर उसका तस्वुर करें कि उसको हीलिंग मिल रही, समझ लीजिए। बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़िए। चले यहाँ के बंद कर, तवज्जो रखिएगा अपने हाथों पे, अपने आप को दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो या भेज रहे हो। मैं आपको दे रहा हूं, आप रिसीव करें, अपने आप को दें, किसी और को दें, कहीं भेजें।
مشورہ ہے, نماز پہ بھی بات کر لی, پانی بھی زیادہ ضائع مت کرے, اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرے, مگر ایک چیز ضرور ہے ہمارے دوست کے وہ شکریہ ادا کرنے سے یاد آیا, سر پہ سونے کا تاج ہو, ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ہو, مہنگا سے مہنگا لباس ہو, مہنگے سے مہنگے جوتے ہو, مگر مزاج فقیرانہ ہونا چاہیے, اندر سے فقیر, کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر زندگی رک جائے, کچھ بھی زندگی کسی اٹیچمنٹ میں اتنی نہیں ہو کہ زندگی رک جائے, بس یہ یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے جمعرات آپ سے ملاقات ہوگی, آباد رہے, شاد رہے, پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں, پاکستان پائیں.